विकसित भारत संकल्प यात्रा कोसली विधानसभा के 26वें गांव बांस में पहुंची, जहां कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक की उपस्थिति में लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला और इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मौके पर ही गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए गए। भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद, आज हमने देखा कि बहुत से लोगों के मौके पर काम हुए, यानी आपकी सरकार आपके द्वार, क्या कहेंगे, लगातार किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? आज जो है मोदी जी की गारंटी वैन 26वें गांव बांस में आई है और आज बहुत सारे लाभार्थियों का इसका लाभ मिला है। ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी समस्याएं हल हुई हैं लोगों की और ये जो विकास यात्रा और जनसंवाद संकल्प यात्रा है ये आज कारगर साबित हो रही है और घर द्वार पे बैठे लोगों की इसकी सुविधा मिल रही है। और आज जो हमारे खिलाफ लोग हैं वो कहते हैं पोर्टल की सरकार है, आज जिनका भला हुआ है उनसे पूछ के देखो पोर्टल का कितना फायदा है। विधायक साहब, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 में भारी बहुमत मिला भाजपा को और जो मुख्यमंत्री जो चेहरे आए सभी को चौंका दिया, नए चेहरे। देखिए 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य में पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और 2 राज्यों में भी हमारी, आपने देखा तेलंगाना में 1 सीट होती है, आज 8 सीट है तो वहाँ भी बड़ा है। तो आप ये ना कहें कि भाई 3 राज्य, मैं तो कहता हूँ 4th राज्य भी आज हमारे बस में आ रहा है। वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पसंद कर रही है और कार्यकर्ता, यही तो पार्टी इज द डिफरेंस, यही तो है कि यहाँ दादा लाई नहीं चलती, जो काबिल लोग हैं वो कहाँ से निकले आए, कहाँ से छट जाएँ, तो आज उसी का नमूना आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की संगठन की सोच। अगर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उस विचारधारा से बिल्कुल ओतप्रोत हैं उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी आम गरीब लोगों को भी अवसर प्रदान करने का काम आपने देखा मुख्यमंत्री किस तरह से कुल मिला और मोहन यादव का, आदरणीय मनोहर लाल जी गए वहाँ पर्यवेक्षक बन के, तो मोहन लाल जी का जब नाम लिया तो उन्हीं को नहीं पता था, वो भी आए बाएं देख रहे थे, उनको कहा आप ही हैं, यही तो चमत्कार है। कुल मिला के इसीलिए तो आम लोगों को सत्ता आए और वही आम लोगों का दर्द समझ पाए। कुल मिला के रुझान बढ़ा भाजपा में कार्यकर्ताओं का भी, आम जनता का? देखिए इससे लोग बड़े खुश हैं, ये जो निर्णय हुए हैं 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों के, उससे लोग, आम आदमी ये सोचने लगा अगर कहीं राजनीति में प्रजातंत्र में सही प्रजातंत्र है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। हमारा एक आखिरी सवाल आपसे कि कांग्रेस हमेशा एक सवाल किया करती थी कि कब आएगा काला धन विदेशों से, और अभी कांग्रेस के ही एक सांसद के पास 351 करोड़ रुपए। पशुपालन विभाग से हमारा तो भैंस को लोन हुआ है और मुख्यमंत्री का अतिथि पे होगी, धन्यवाद। तो मुझे पैसे प्राप्त हुए हैं इसलिए मैं खट्टर जी और लक्ष्मण जी का धन्यवाद। आयुष्मान कार्ड से मेरा ऑपरेशन फ्री हुआ था, सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए, भाजपा सरकार का ही धन्यवाद करता हूं।